पुलवामा हमले में शहीद सैनिकों की याद में महादेव पारा गांव के नौजवानों ने निकाला जुलूस। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों को याद में मेनगर तहसील क्षेत्र के महादेव पारा गांव के नौजवानों ने महादेव पारा गांव से लेकर जिगनी गांव तक शहीद जवानों की याद में कैंडल मार्च शाम को निकाला। अमित मौर्य ने बताया कि पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों की याद में 2 मिनट का मौन रखकर उनको याद किया गया है। श्रद्धांजलि देने के साथ ही उनके पराक्रम को वह पीढ़ी तक पहुंचाना है। सैनिक हमारे देश की सुरक्षा के लिए हर वक्त मौत से लड़ने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। ऐसे में उनके पराक्रम उनकी हिम्मत को हमेशा याद रखा जाना चाहिए। 14 फरवरी के दिन इतिहास में जम्मू कश्मीर के लिए एक दुखद घटना के साथ दर्ज है। 4 साल हो गए लेकिन इस घटना का जगमास तक खड़े हैं। जुलूस में शामिल सभी लोगों ने पुलवामा हमले में शहीद वीरों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बासुपुर प्रधान राजू यादव, वर्तमान प्रधान अनिल सरोज, अनिल यादव, किशन यादव, सोनू यादव, मनदीप यादव, प्रमोद यादव, मनीष यादव, आशीष यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? अमित मौर्य। जो आपने रैली निकाला है पुलवामा शहीद हमला जो हुआ था उसी के उपलक्ष में उन शहीदों की श्रद्धांजलि के लिए किया गया है। ये रैली कहाँ चलेगी? ये महादेव मार्केट से लेकर जयनगर तक ये रैली चलेगी। हाँ, और क्या लगता है कि मतलब जो शहीद हैं जी, इनको कितने लोग श्रद्धांजलि देने के लिए तैयार हैं? इसे तो देना तो चाहिए पूरे देश को, लेकिन अब देने के लिए तो यहाँ तो कम से कम हजारों मात्रा में होंगे, संख्या में। आपने जो संख्या बताई है कहाँ से? ये स्थानीय लोग ही हैं जी। क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसे शहीदों के प्रति सबका मान सम्मान बना रहे, जिससे कि शहीद हमारे देश के प्रतिरक्षा के भाव से वहाँ कर्तव्य को पालन करते हैं, जिससे कि हमारी आम जनता को भी इस तरह से उनके कर्तव्यों के पालन के लिए आगे बढ़ के कदम।